अस्सलाम वालेकुम खातिन नौजरात सिटी के अंदर वेलकम हो गया एक नए और खूबसूरत ब्लॉग के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा उसका लेवल ही नहीं है आज के ब्लॉग के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसी खूबसूरत सी जगह में जाने वाला हूँ जो हमारे गाँव के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो आज मैं उस जगह में जाने वाला हूँ आप लोगों को, वो वहाँ की खूबसूरती दिखाने के लिए, वहाँ का जो भी ग्रीनरीज हैं अभी के लेवल में, जो भी ग्रीनरीज हुई है इससे ज़्यादा बढ़ भी सकती है, ठीक है, आने वाले दिनों में। लेकिन अभी किस टाइप का वहाँ का माहौल है, क्या खूबसूरत लुक्स वहाँ बने हुए हैं ना, वो सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में आप सबको देखने को मिलेंगी। खैर, तो मेरा नाम उमर डीके और आप सबको एक नए और खूबसूरत ब्लॉग में वेलकम करता हूँ। आपने डीके ब्लॉग का ज्वाइन नहीं किया, कर दो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी टाइप के खूबसूरत ब्लॉग्स में हमेशा लाता रहता हूँ। अच्छा, तो पब्लिक में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, कि मैं हमने जाना कहाँ, ठीक है। तो ये सामने आप देख रहे हैं पहाड़, ये जो पहाड़ देख रहे हो ये वाला, इसके पीछे हमने जाना है, ठीक है। वहाँ पे जाने, वहाँ पे देखने की कौन सी खूबसूरत जगह है जिसकी मैं इतनी ज़्यादा तारीफ करता हूँ, लेकिन वहाँ पे चलते और देखते क्या है, वाकई इतनी खूबसूरत जगह है वो या नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से एक खूबसूरत सीन मेरे सामने बना हुआ है कि वो ये है कि हमारा गांव इस जगह से किस तरह नज़र आता है, मुझे तो पता है मेरे सामने है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको भी दिखाऊं। वैसे खूबसूरत से सीन बना हुआ ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आपको, फिलहाल आप वो देखो यार। अच्छा, तो पब्लिक हमें उस जगह भाई पहुँचा नहीं हुई, लेकिन मेरे सामने किसी खूबसूरत सा जो सीन बना हुआ है कि क्या ही बताओ, ये देख सकते हो आप, ये फ्लावर्स आप देख रहे हो कितना खूब, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये माशाल्लाह। इसी के सामने ही देख सकते हो अपनी खूबसूरत सीनरीज बनी हुई यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी सीनरीज को हम जाके देखेंगे ऊपर टॉप से, टॉप से कितनी खूबसूरत लगती है वो सारी सीनरीज। हम चलते हैं वहाँ ऊपर टॉप में, ठीक है, इधर ऊपर नहीं, यहाँ पर नहीं, आप यहाँ पर इधर कहीं नीचे वहाँ पर, खैर वहीं पे जाएंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो यार क्या खूबसूरत लुक बना हुआ है यार, आए हाय। और एक और चीज़ यार, मैं इस तरफ आगे इसलिए आ रहा हूँ, हमने जाना पीछे की तरफ, इसलिए आगे इसलिए आ रहा हूँ कि यहाँ पे भी जो खूबसूरत जगहें बनी हुई है, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी वो सब दिखाते हुए आगे चले। तो ये देख सकते हो आप, माशाल्लाह यार क्या खूबसूरत लुक बना हुआ यार, क्या ही बात है यार, हाय हाय। देख रहे हो आज क्या खूबसूरत लुक बना हुआ है यार, माशाल्लाह। सो यार प्रॉब्लम, फाइनली 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 मैं उस जगह में पहुंच गया हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यार चढ़ाई है, यहाँ तक पहुँचने के ना बहुत ही ज़्यादा जो है पैदल, वो भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो नहीं आती, ठीक है, पहाड़ों की साइड में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर मैं आया हूँ, तो गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं आती फिलहाल। तो वैसे यहाँ खेत हैं वगैरह ना, खेत ज़्यादा है तो इसलिए गाड़ियों का यहाँ पर कोई सीन सपाट सीन आगे अभी तक बना नहीं है, शायद आगे लाएँ या नहीं लाएँ वो सब मुझे नहीं पता। खैर, तो मैं इस जगह में पहुंच गया हूँ, ठीक है, ये है वो जगह आप देख रहे हो। ये वो जगह नहीं है यार, ये लकड़ी है, ठीक है, यहाँ पे ला कर रखी हुई है, लकड़ियाँ भी कहाँ से लाती वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यार छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, वो ये कि यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि इसी टाइप के खूबसूरत ब्लॉग्स में हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अच्छा, तो अभी चलते हैं, मैं आपको वो खूबसूरत जगह दिखा देता हूँ, और बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो मैंने आप सबको बताई भी हैं, ठीक है। मैं जो मैंने पिछले व्लॉग्स मैंने किए हैं उन सब में मैंने आपको एक ऐसी ऐसी जगहें भी दिखाई हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी जो है वाक़यात भी हुए थे, ठीक है, मैंने वो भी आपको दिखाया है, और उन वाक़यात से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो भी मैंने आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ कि ऐसी कौन सी खूबसूरत जगह है। ये है वो खूबसूरत जगह जो मैंने आप सबको आज के ब्लॉग में दिखानी थी, और बातें थी मैंने आपको बतानी थी कि वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, एक ब्लॉग मैंने बनाया था, ठीक है, स्नोफॉल के टाइम में, ठीक है, बर्फबारी के टाइम में, तो
करता हूँ, ठीक है, वो दूसरी जगह इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं उस जगह में पहुँच गया हूँ और वो जगह भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी वो वहाँ आगे तक गई थी, ठीक है, और हुई थी यहाँ से, ठीक है, इस पहाड़ से जो है लैंड स्लाइडिंग हुई थी, इस पहाड़ से जो है लैंड स्लाइडिंग हुई थी हैवी किस्म की, और होते 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 आप देख सकते हो कितने लंबा जो है यहाँ का रूट है, ठीक है, इतना लंबा रास्ता है, यहाँ से होती हुई आगे गई थी, ठीक है, और वहाँ तक गई थी। और अगर आप लोगों ने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप शो और होगा जाके इंजॉय कर सकते हो, लिंक भी मैं दे दूँगा। ठीक है, तो ये जगह थी जो मैंने आपको दिखानी थी। तो उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, खूबसूरत लगा हो, अगर लगा है तो लाइक कर दो, और नहीं लगा है तब भी लाइक कर दो, ठीक है, लाइक करोगे तो एक मोटिवेशन मिलती है हमें और दिल खुश हो जाता है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया अगर दो यार सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे खूबसूरत से ब्लॉग्स में हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो खैर, इस ब्लॉग से दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं आपसे किसी और खूबसूरत से ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।